कोयला और शराब घोटाले में ईडी द्वारा एसीबी में दर्ज कराए गए एफआईआर में दो पूर्व मंत्री और विधायकों के नाम शामिल किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 3 साल से ईडी और आईजी जांच कर रहे हैं, जांच में पूर्व मंत्रियों का नाम नहीं था, लेकिन आज षड्यंत्र के तहत कार्रवाई हो रही है। ये पूरी कार्रवाई लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है। सरकार प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है। जब ईडी जांच कर रही थी, आईटी जांच कर रही थी, तब इन लोगों का न यूडी मिल का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था, न गुलाब कमरो का नाम था, न ही कवासी लखमा का नाम था। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश दिया, एफआईआर दर्ज।